नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास एनर्जी की फॉर्म होती है कि फॉर्मूला क्या है, यही तो है, वो ग्राउंड स्टेट की दे रखा है, यही होती है, ठीक से भी जानते हैं। द हाइएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आइगन स्टेट हैज एन एनर्जी इक्वल टू, वो कह रहा है जो पॉसिबल हाईएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक आइगन स्टेट है ना, उसका एनर्जी कितना होगा, एनर्जी हमसे पूछा है। तो यदि आप ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास सपोज जी क्या हो गया, मेरे पास एन इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ये एन इज इक्वल टू कितना होगा 2, ये एन इज इक्वल टू कितना होगा 3, डैश 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 डैश, तो ऐसे ही तो जाएगा कहाँ तक, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है फिर, कंटिन्यूम स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो पहले वाले की एनर्जी जैसे यहाँ पे कितना है -13.6, ठीक है, और ये हमारे पास कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से जाएगा, जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो हमारे पास एन का एन कितना आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो द हाइएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक आइगन एनर्जी आइगन स्टेट एनर्जी इक्वल टू हाइएस्ट कितना होगा, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी, ये जो हमारे पास एनर्जी है ये कितनी होगी 0 होगी, ठीक है, समझ में। यदि वो पूछता हाईएस्ट पॉसिबल आइगन स्टेट क्या होगी तो हम इन्फिनिटी लगाते हैं, वो हमसे एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी हमारे पास 0 होगी, जैसे ही एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ई एन टेंड्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई डाउट है। तो एनर्जी के बारे में पूछा है, ध्यान इसमें कन्फ्यूज़ मत हो ना, बहुत सी बुक्स में आपको या इधर उधर आप देखोगे इन्फिनिटी आपको आंसर देगा, इन्फिनिटी आंसर नहीं है, वो हाईएस्ट पॉसिबल आइगन स्टेट पूछता तब इन्फिनिटी लिखता, उसने कहा हैज एन एनर्जी इक्वल टू, ठीक है। इन्फाइनाइट एनर्जी कैसे हो सकती है, हाइड्रोजन में